नमस्कार दोस्तों, जय जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माता रानी की कृपा से आप लोग कैसे हैं? जय जय महाकाल के आशीर्वाद। स्वस्थ और मस्त होंगे इस राशि का जीवन साथी। अलग अलग नाम के होते हैं और इस राशि का जातक का विवाह भी अलग अलग उम्र में होता है और इस राशि के जातक का जीवन यापन भी अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि आपके के अनुसार आपका जीवन साथी आपको कब मिलेगा, उसका क्या नाम होगा और उसका नाम और पता भी आपको विस्तार से बताने वाला हूं। इसलिए आपको इस वीडियो को डॉट ध्यान से देखना है और इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, क्योंकि जैसे ही वह आपके जीवन में आएंगे आपके जीवन काल में चार चांद लग जाएगा। आपके जीवन में वह स्वयं जय महाकाल का रूप धारण करके आएंगे और आपके जीवन को चमका देगी। उसके आने के बाद ही आपके जीवन में आपका पैसे से संबंधित समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख संकट परेशानी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएगा। आप अपने जीवन काल में सुख सुविधाओं के लिए सभी चीजें आपके पास पर्याप्त होंगे। धन दौलत गाड़ी बंगला शोहरत सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको एक दो गलतियां करने से मैं मना करूंगा और आपको अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करने की भी आवश्यकता है। अपने दिनचर्या में आपको बदलाव करना होगा। कुछ आदतों में आपको अपना सुधार करना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और आपके जीवन में खुशियां का आना शुरू हो जाएगा। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस आपको इस बात को ध्यान से समझना होगा और जो गलती करने से मैं मना करूंगा वह गलतियां नहीं करना है। साथ ही साथ मैं कुछ आपको एक दो बहुत ही अचूक उपाय भी बताऊंगा, जो उपाय करना बहुत ही आसान और सरल है। यह उपाय करने के पश्चात आपको यह जीवन साथी जल्दी मिल जाएगा और इसके आने के पश्चात ही आपके जीवन में सभी प्रकार के दुख संकट रोग बीमारी कर से आपको छुटकारा मिल जाएगा और जीवन में खुशियों का आना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस भोलेनाथ का कृपा मिलेगा। दोस्तों, पहले आप लोग को कुछ बातों को समझना अति आवश्यक है कि आपको कुछ गलतियां करनी नहीं है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में नया प्रेम आने की पूरी संभावना बन रही है। आपके प्रेम जीवन में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप पहले से ही किसी से प्रेम कर रहे हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, आपको इस बात का भय सता रहा है कहीं मेरे प्रेम को स्वीकार ना कर दिया जाए और मेरा समाज में बदनामी ना हो जाए, तो इस बात से आप निश्चिंत हो जाएं और आप जिनसे भी प्रेम करते हैं उनसे आपको जाकर कि इस समय बात करना है, अपना प्रेम का इजहार करना है, अपना प्रेम का प्रस्ताव अवश्य ही रखना है। सामने वाले व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, वह आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य ही इस समय कर लेगी, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में शुक्र ग्रह आपके पक्ष में है और काफी मजबूत स्थिति में देखने को मिल रही है, जिससे आपके प्रेम जीवन में सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, इस समय आपके प्रेम जीवन में इतना शानदार समय व्यतीत होने वाला है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं
होगा अगर इस समय आप चाहे स्त्री है या पुरुष है, आपके प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार का संकट चल रहा है या आपसी मतभेद या झगड़ा लड़ाई चल रहा है, तो वह इस समय समाप्त होने की भी पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय आपसी प्रेम प्रगाढ़ होंगे, रिश्ते में मधुरता आएंगे और एक दूसरे के करीब होने की भी पूरी संभावनाएं बन रही है। जिसका रिश्ता इस समय अगर टूटने के कगार पे था, एक दूसरे से दूरी बन गया था, तो वह दूरियां इस समय समाप्त हो जाएंगे और रिश्ते में फिर से मधुरता आने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपके राशि के जातक के इस समय प्रेम जीवन में अपार सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। इस समय साथ में रहेंगे, साथ में समय व्यतीत होगा और समय काफी रोमांटिक भी व्यतीत होने वाला है। साथ ही साथ इस समय प्रेमी और प्रेमिका दोनों बाहर घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। समय काफी शानदार है, लेकिन आप लोग को एक बातों का यहाँ पर बड़ा ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इस समय बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं, साथ में समय व्यतीत करने का सोच रहे हैं, तो आपको सही समय का निर्णय लेना होगा और सेफ जगहों का भी चुनाव करना होगा, क्योंकि इस समय दोनों के मिलन के दौरान इस समय कोई छोटी मोटी समस्याएं भी आने की संभावनाएं बन रही हैं और जिसकी वजह से समाज में बदनामी का आप शिकार हो सकते हैं, और इसके लिए कन्याओं को सबसे अधिक उत्पीड़न सहना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा और सही जगहों का और सेफ जगहों का चुनाव करेंगे तो आपको दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, इस समय जब भी प्रेमी प्रेमिका साथ में रहे, तो किसी भी इंसान से उलझने का प्रयास ना करें, अन्यथा इससे आपके जीवन काल में नुकसान हो सकता है और इससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए जब भी प्रेमी प्रेमिका साथ में रहे, तो किसी भी गैर इंसान से लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास ना करें, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। दोस्तों, इस समय आपको यौन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको स्वर्ग का आनंद भी महसूस होगा। इस समय जो लोग प्रेम में पहले से ही है और अपने प्रेम को अगर विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी यह समय काफी शानदार रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब भी आप अपने प्रेम के बारे में घर में बात करेंगे, अपने प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो घर में जो सबसे अधिक वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे उसका घर में कद्र हो या ना हो, सबसे पहले आपको उन्हीं से बात करना है। उसके बाद आप किसी और से बात करेंगे, तो इसमें आपको बेहतर लाभ देखने को मिलेगा और आपको प्रेम को विवाह में तब्दील करने से कोई रोक नहीं सकता है। इस समय कोशिश करें सबसे पहले पुरुष जातक अपने घर में बात करें, उसके बाद ही स्त्री जातक अपने घर में बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि अगर इस समय पुरुष जातक पहले बात करेंगे, तो शुरुआत में थोड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको प्रेम को विवाह में तब्दील करने के लिए आपको इस समय घर से स्वीकार कर लिया जाएगा और आपके प्रेम को सफलता मिल जाएगी। लेकिन एक बात का यहाँ पर और भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भूल से भी अगर आपके घर में प्रेम को स्वीकार ना करें, प्रेम विवाह को स्वीकार ना करें, तो कभी भी भूल से भी भागकर शादी विवाह करने का ना सोचे। जी हाँ, इसके बारे में आप घर में बोल सकते हैं कि अगर मेरा विवाह नहीं कराएंगे, तो हम लोग भाग करके शादी कर लेंगे। इस बात का डरावना घर में आप दे सकते हैं, लेकिन घोल से भी भाग करके शादी करने की गलती ना करें, अन्यथा आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आएंगी और ऐसे स्त्री को भी ससुराल में या समाज में कभी भी इज्जत नहीं मिलती है और इज्जत की नजर से नहीं
देखा जाता है और स्त्री का सबसे बड़ा गहना उसका इज्जत और सम्मान ही होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आगे चलकर कई सारे परेशानियों से आपको जूझना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके इस समय किस नाम का जीवन साथी आपको मिलेगी और वह पर मिलेगी और आपको इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो दोस्तों, सबसे पहली सावधानी आपको यह बरतनी है, क्योंकि जो भी इस समय आपकी जीवन साथी बनेगी, खास करके पुरुष जातकों को ध्यान देने योग्य बातें हैं। हालांकि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आगे जो बातें बताने वाला हूं दोनों के लिए लाभदायक होने वाली है, लेकिन इस समय खास करके पुरुषों के लिए एक सावधानी बरतनी है कि जैसे ही वह कन्या आपके जीवन में आएंगी, आपके जीवन साथी आपको मिलेगी, वह लक्ष्मी का स्वरूप आपके घर में आएंगे, उसका कदम आपके घर में पड़ते या उसका कदम आपके जीवन में पड़ते ही आपके जीवन में आपको महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। आपके जीवन में आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। आपके जीवन में निखार आ जाएगा। आपके जो भी मित्र थे, जो भी रिश्ते थे, जो टूट रहा था, वह भी आपसे मित्रता करना शुरू कर देंगे, और जो रिश्ते आपसे अलग हो गए थे, टूट गए थे, वह आपसे फिर से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और वह स्वयं आकर के आपसे मुलाकात करेंगे। इस समय आपसी प्रेम प्रगा होंगे, रिश्ते में मधुरता आएंगे और एक दूसरे के करीब होने की भी पूरी संभावनाएं बन रही है। आपको आपके जीवन काल में बहुत अधिक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलने लगेंगे। जो भी रोजगार कारोबार व्यापार करे उसमें अचानक से वृद्धि और तरक्की होने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि माता लक्ष्मी स्वयं मेरे ऊपर मेहरबान हो गई है और आपके जीवन में कई क्षेत्र रोह से आपको धन आने लगेगा। आपके अटके हुए पैसे भी आपके पास आने लगेंगे। अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा है और वह आपको बार बार परेशान कर रहा था और वह पैसा आपको नहीं मिल रहा था, तो वह पैसा भी आपको मिल जाएगा। आप जिस भी तरह के रोजगार कारोबार व्यापार करेंगे उसमें आपको तरक्की देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक गलती नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, यह कन्या अगर आपके जीवन में आ गई, आपकी दुल्हन बनकर आपके घर आ गई, तो आपके जीवन में धन दौलत शोहरत गाड़ी बंगला सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन में किसी भी चीजों की कमी नहीं रहेगी। आपके सुख सुविधाओं के लिए सभी चीजों की प्राप्ति आपको हो जाएगी। लेकिन इसके बाद अगर वह जीवन साथी आपकी दुल्हन बनकर आती है, आपके प्रेम जीवन में भी आती है, तो आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण बदला आपको देखने को मिलेगा। आपको कई क्षेत्र में लाभ देखने को मिलेंगे। जिन भी स्त्री या पुरुष से आपका दोस्ती या मित्रता था, वह टूट गया था, वह रिश्ता फिर से आपके बनने लगेंगे। जीवन में दुख चल रहा था तो फिर से खुशियां आने लगेंगे, लेकिन उसके पश्चात आपके जीवन में कई क्षेत्रों से धन आने की वजह से आपके जीवन काल में आपको घमंड भी आ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसके अंदर भी घमंड आता है, उसको इस बात का एहसास नहीं होता है कि मेरे अंदर घमंड आ चुका है। लेकिन जैसे ही किसी भी इंसान के अंदर अगर घमंड आता है, तो उसके जीवन में कई तरह के नुकसान देखने को मिलता है। जिस क्षेत्र में आपको मंड आएगा, उसी क्षेत्र में आपको नुकसान भी होने लगेगा और आप पुनः आकर के वही खड़े हो जाएंगे जहां से अपने शुरुआत किया था। इसलिए आपको अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार का किसी भी क्षेत्र में
घमंड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब जो आगे मैं बातें बताने जा रहा हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आप इस वक्त उनका साथ देते हैं तो इससे आपके रिश्ते पर लंबे समय तक टिकने वाला प्रभाव पड़ देगा। आज कुछ प्रमुख व्यय के लिए आप योजना बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस खर्चे पर आपकी नजर रहेगी। आज का दिन वित्तीय योजना बनाने के लिए एकदम सही है, और कुछ कार्य जो कि कुछ समय से अधूरे थे उन्हें पूरा करना का भी उचित समय है। आज आप अपनी बचत और परिसंपत्तियों की एक पूरी सूची के साथ बैठे और उन्हें व्यवस्थित करें, क्योंकि आज आपको शुभ समाचार मिल सकता है। कुंभ राशि के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती है, इसलिए सावधानी बरतें। आय में कमी आ सकती है। व्यावसायिक संभावनाएं सकारात्मक है, संभावित वित्तीय लाभ के साथ, हालांकि असंतोष बना रह सकता है। रोजगार अतिरिक्त प्रयास की मांग करता है। प्रेम जीवन स्थिर बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन सुख और शांति लाता है। अपनी वाणी में मधुरता लाएं। लेन देन करने में थोड़ी सी सावधानी बरते। कार्यस्थल पर आप अपने साथी का सहयोग ले सकते हैं, इससे आपके काम अच्छे से होंगे और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा, जिनके साथ आप बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। आपका प्यार परवान चढ़ता नजर आए। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य में जल्दबाजी या लापरवाही करने से बचना होगा, अन्यथा उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आप अपना कार्य किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल न करें, अन्यथा गलती होने पर आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आस पड़ोस के लोगों से छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है। इस दौरान अनावश्यक वाद विवाद में न पड़े, अन्यथा आपको धन एवं मान दोनों की हानि झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान आपका मन किसी अनजान भय से आशंकित रहेगा। आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान सट्टा लॉटरी आदि से दूर रहें के और धन को कमाने के लिए किसी भी तरह का शॉर्टकट न अपनाएं। सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी अथवा किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने के कारण शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। इस दौरान अपनी दिनचर्या एवं खान पान सही रखें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह वाह भी सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट चपेट की आशंका भी बनी हुई है। यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपको कठिन परिश्रम करने पर ही मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों की राह में कुछ एक अड़चने आ सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है, क्योंकि किसी बात को लेकर आपके परिजन अथवा लव पार्टनर के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिसे दूर करने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लेना बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपके मनमाने व्यवहार के कारण कुछ समस्याएं आएंगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में लोगों को आपके व्यवहार के कारण समस्या होने बदलाव का सोचा है, तो वह आप आसानी से कर सकते हैं। आपको किसी काम को लेकर अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आप किसी निराशाजनक सूचना को सुनकर परेशान रहेंगे। आपके घर किसी मित्र का आगमन हो सकता है। आपको किसी नए निवेश को करने से बचना होगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतियों को लेकर पेश है। उसके जीवन यहाँ से बदलने वाला है, लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियां आ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब मैं उसका नाम और पता बताने जा रहा हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। दोस्तों, इस समय जो पुरुष जातक है, इस समय या स्त्री जातक है, आपके राशि के जो भी जातक हैं, इस समय किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे या किसी
रिश्ते आर के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर कोई नया प्रेम आपको मिल सकता है और यह प्रेम जैसे ही आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन बदलने लगेगा, आपको जीवन के हर सुखों की प्राप्ति होने लगेगा। उसको जैसे ही आप देखेंगे, उनको देख करके ही आपके आंखों की चमक बढ़ जाएगी और सामने वाला जो आपका जीवन साथी होने वाला है उसके आंखों की भी चमक बढ़ जाएगी। एक दूसरे को देख करके बेवजह दोनों एक दूसरे के लिए प्रसन्न हो जाएंगे और एक दूसरे के करीब आने का प्रयास करेंगे और ना चाहते हुए भी करीब चले जाएंगे। और एक दूसरे के करीब आते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि यह जीवन साथी मेरे जन्मों जन्म का साथी है, इसके साथ मेरा रिश्ता जन्मों जन्म का है, यह मेरा कोई अपना है। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा तो आपको तुरंत ही वहां पर एक काम करना है कि उनसे आपको कुछ ना कुछ बात अवश्य ही करनी है और उन्हें ऐसी कोई बात ना करें जिनसे उनके दिलों को या आत्मा को ठेस पहुंचे। इस बात का ध्यान रखना है, उसको किसी भी तरह से अपने जीवन में लाने का आपको प्रयास करना है। आपका जीवन वहां से अवश्य बदल जाएगा। उस कन्या का जन्म गुरुवार के दिन का हुआ रहेगा और वह जो कन्या रहेगी जो आपका जीवन बदलने वाली है, वह कन्या आपकी ही राशि की होगी। और पता कर लेना है आपको अपने जीवन साथी का नाम और आपके घर के उत्तर और पूर्व के कोने की दिशा में इसका घर होगा। इसका जन्म गुरुवार के दिन का हुआ रहेगा जो आपका जीवन साथी बनने वाली है। अगर आपकी जीवन साथी यह बन गई तो समझ जाइए आपको करोड़पति ही नहीं अरबपति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का मालिक भी बन सकते हैं। आपके अपने खुद के 3-4 नए कारखाने और फैक्ट्रियां भी खुल सकता है। आपके जीवन को बदलने में देर नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप गलती करेंगे, उसका अपमान करेंगे, उनको अपशब्द बोलेंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, भूल से भी उनके ऊपर अगर आप हाथ उठाएंगे तो आपके पास पैसे तो आएंगे, लेकिन जीवन में कई तरह के कष्टों से आप परेशान रहेंगे। हर क्षेत्र में आपको अड़चन आएंगे और आप कभी भी अपने जीवन काल में खुश और संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। जीवन में धन दौलत आने के बाद भी आपका जीवन यापन अच्छे से नहीं हो पाएगा। कई बार तो ऐसी भी मुसीबत आएंगे कि आपको खाने के लिए भी मोहताज होना पड़ेगा। जेब में पैसे रहते हुए भी आप भूखे मर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपका जीवन सवर जाएगा अगर आप अपने जीवन साथी को मान सम्मान देंगे तो आपके घर धन दौलत आएगा, आप अपनी जिंदगी बहुत खुश रहेंगे। तो दोस्तों अपने जीवन में खुशियां बनाएं रखें। हो सकते हैं अगर आप पार्टनर के साथ विवाह करने का इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे तो आपके घर वाले इस बात कोड़ोट नकारा जरूर दिखाने वाले होंगे, इस बात से गुस्सा भी अवश्य होंगे, लेकिन चिंता करने कि कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ समय पर साथ ही आपको इसका उल्टा परिणाम देखने कोड़ोट भी मिल सकते हैं और यह उल्टा परिणाम आपके भाग्य के लिए अति उत्तम भी रहने की योग बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी प्रांत में आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज का समय आपको अपने जीवन में स्त्रियों का पूरी प्रेम दिखा वाले हैं। स्त्रियों के साथ आपकी प्रेम बढ़ता हुआ दिखेगा और उनके साथ आपका प्रेम बनता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय आपकी स्त्री की पूरी इच्छा पूर्ण करने का सहयोग बना रहे हैं। इसके उपरांत मेरे प्रिय दशकों में आपको बता दूं, रोमांटिक पल बिताने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला होगा। आज का दिन आप दोनों के लिए एक नई ताजगी का एहसास कर
आएगा वही पति पत्नी अपने बच्चों संग कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। जाएंगे इस समय एक कन्या ऐसी है जो लंबे समय से आपके प्यार में तड़प रही है। वह आपका स्वागत के लिए बेकरार है, जल्दी ही वह अब आपके जीवन में दस्तक देने वाली है और वह आपको शारीरिक सुख देगी। शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त कर देगी। ऐसे ऐसे सुखों का आपको इस समय एहसास होने वाला है जो आप अपने जीवन में पहले कभी एहसास नहीं किए होंगे, लेकिन आप अपने जीवन में इस समय चका चौथ के दुनिया में अधिक ही खोए रहेंगे। लेकिन किसी भी क्षेत्र में आपको अधिक संलिप्त नहीं होना है, क्योंकि इस समय शुक्र की युति की वजह से आपके अंदर सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि होगा। आपको प्रेम जीवन में अपार सफलता मिलेगा, शारीरिक सुख मिलेगा और आपके जीवन लग्जरी होने वाला है। लेकिन आप किसी भी चीज में अधिक खोए रहेंगे तो आपको परेशानियां हो सकती है। आपको अपने आसपास के होने वाली सभी घटनाओं पर नजर बनाए रखना होगा, अन्यथा आपको परेशानी की वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है और आप हर चीज में पीछे हो सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें और अपने जीवन में होने वाले सभी प्रकार के दुख संकट परेशानी को समाप्त करके आप अपने जीवन में फिर से खुशियों का संचार कर सके। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव आपके जीवन के सभी प्रकार के मन की इच्छा और मनोकामना की पूर्ति अवश्य करेंगे और आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख संकट परेशानी रोग बीमारी कर सभी को दूर कर देंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय देवों के देव महादेव का विशेष वरदान आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी का कृपा आपके ऊपर खूब बरसने वाला है, जिससे इस समय आप अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करने वाले हैं जिसके लिए आप लंबे समय से तड़प रहे थे, लंबे समय से तरस रहे थे। इस समय आपको आपके जीवन का असली सुख मिलेगा, बशर्ते आपको थोड़ी सावधानी रखना होगा। कुछ गलतियां करने से मैं आपको मना करूंगा, वह गलतियां आपको नहीं करने होंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण सरल और सटीक आपको कुछ अचूक उपाय भी बताऊंगा। वह उपाय अगर आप अपने जीवन में कर लिए तो आपके जीवन में और भी चार चांद लग जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपके राशि में लक्ष्मी नारायण राज्यों बनने जा रहा है। ऐसे में आपके राशि के जातक को जीवन में चमत्कारिक लाभ हो सकता है। देवियों के गुरु शुक्र एक निश्चित समय आपके जीवन में, अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा था और वह कर्ज आपका अटक गया था, पैसा आपको वापस नहीं मिल पा रहा था, उसके वजह से आप परेशान थे, तो इस समय वह पैसा मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा था और वह आपको परेशान कर रहा था कर्ज वापस करने के लिए, तो इस समय उसका पूरा पैसा वापस करने में आप सक्षम रहेंगे। आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन रहेगा, धन की कोई भी दिक्कतें आपको नहीं होने वाली है। पैसे संबंधित सभी समस्या आपका समाप्त होने वाली है। नौकरी पैसा जातकों को उनके द्वारा की गई मेहनत का अब पूरा फल मिलेगा, जिसके वजह से आपका मन में प्रसन्नता छाई हुई रहेगी। आपके काम
को देखते हुए इस समय आपका पदोन्नति के साथ साथ धन लाभ भी हो सकता है। साथ ही साथ लंबे समय से अगर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो प्रमोशन होना आपका तय है। पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी होगा और धन लाभ होने का भी कई सारे संकेत मिल रहे हैं। उच्च अधिकारी आपके काम से काफी प्रसन्न हो सकते हैं, जिसके वजह से आपका वहां पर सम्मानित भी किया जा सकता है। ऐसे में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको सौंपी जा सकती है और आप उस जिम्मेदारी को डोट बखूबी निभाएंगे भी, जिसके वजह से आपको वहां पर और भी अधिक सम्मानित किया जा सकता है। आप अपनी बौद्धिक क्षमता के बल से कई क्षेत्रों में सफलता पा सकते हैं। एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी, जिससे आप किसी भी कार्य में फोकस बनाए रखेंगे और उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी, जिससे छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा और आपके समाज में आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। आपके राशि के जातकों को हर क्षेत्र में सफलता के साथ साथ धन लाभ हो सकता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, शारीरिक सुखों की प्राप्ति होगी, इसके साथ ही जीवन में आपको संतुष्टि मिल सकती है। इस समय लंबे समय से कोई चीजों का इंतजार कर रहे थे, वह इंतजार इस समय आपका पूरी हो सकती है। इसके साथ ही जीवन में हर क्षेत्रों में आपको संतुष्टि मिल सकती है। परिवार के साथ भी आपका अच्छा समय बीतेगा। अगर आपका घरेलू कोई झमेला चल रहा था, अगर पारिवारिक में कोई समस्याएं चल रही थी, घर में कोई कलह क्लेश चल रहा था, तो वह इस समय समाप्त हो जाएगा और आपका पारिवारिक जीवन काफी बेहतर रहेगा। इस समय घर के सभी व्यक्तियों का जरूरतों का सामान को आप पूरा कर पाएंगे, जिससे घर के सभी इंसान आपसे काफी प्रसन्न रहेंगे और आपका सभी कोई सहयोग देगा और घर का आपसी मतभेद, परिवार का कलह क्लेश भी आप समाप्त कर सकते हैं। अविवाहित को शादी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। अगर आप लंबे समय से विवाह के लिए सोच रहे थे लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे, तो इस समय आपका रिश्ता तय होने की पूरी संभावनाएं बढ़ रही है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में चली आ रही सभी समस्याएं भी समाप्त हो सकती है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। इस समय आपको आपका समय काफी रोमांटिक रहेगा और इस समय प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के साथ बाहर घूमने का भी प्लान कर सकते हैं और एक दूसरे से काफी मन प्रसन्न भी रहेगा। मन की इच्छा आपका पूरा हो सकता है। शारीरिक सुख आपको मिल सकता है। करियर की बात करें तो करियर में आपको पदोन्नति के साथ कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और जिस भी क्षेत्र में आप करियर बनाने का सोच रहे हैं, उस क्षेत्र में बस आपको शुरुआत करने की देरी है। शुरुआत करते ही आपको सफलता अवश्य मिलेगी। भाग्य आपका भरपूर सहयोग देगा। अगर इस समय को आप हाथ से गवा देंगे तो आपको आगे चलकर जीवन भर पछतावा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय जिस क्षेत्र में आप करियर बनाने का सोच रहे हैं, उसमें आप शुरुआत करें, आपको बहुत बड़े बड़े और अच्छे मौके भी मिलेंगे। इस समय अगर कोई छात्र या छात्रा ऐसे हैं जो कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का सोच रहा है, उनके लिए यह समय सुनहरा मौका आने वाला है। 2-3 जगहों से अच्छे ऑफर भी मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ कॉलेज के छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी यह समय काफी चमत्कारिक होने वाला है। और जो भी इस समय जातक फिल्म मीडिया क्षेत्र में जाना चाह रहा है, नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, उसके लिए यह समय सोने पर सुहागा होने वाला है। ऐसा समय आपको
बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए इस समय को हाथ से गवाएं नहीं, अन्यथा आप परेशान रहेंगे और आप पछतावा करते रह जाएंगे। इस समय को हाथ से गवा देंगे तो आपको रोने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इस समय आप अपने करियर में शुरुआत करें, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दें। और जो भी जातक विदेश में नौकरी करने का इच्छा रख रहा है, उनको इस समय बहुत बड़ा चांस मिल सकता है। विदेश में नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। आय के कई सारे नए स्रोत खुलेंगे और भविष्य के लिए बचत करने में भी आप कामयाब हो सकते हैं। इस समय आय के नए स्रोत खुलेंगे जिससे आप लंबे समय तक धन अर्जित करते रहेंगे और आप पैसों की बचत करने में कामयाबी हासिल करेंगे। आप बेवजह के पर लगाम भी लगाने वाले हैं। इस समय आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने का संकेत मिल रहा है। बौद्धिक क्षमता की वृद्धि होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकता है। और जो भी छात्र या छात्रा लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए यह सोने से पर सुहागा जैसे समय होने वाला है। चमत्कारिक समय होने वाला है। कोई शुभ सूचना मिलेगा और समाज में मिठाइयां बांटनी बढ़ सकती है। आपको भंडारा भी करवाना पड़ सकता है क्योंकि बहुत बड़ा सफलता हासिल होने वाले हैं। नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। आपके राशि के चाहे वह छात्र हो या छात्रा हो, नौकरी लगने की यह समय पूर्ण संभावनाएं बन रही है। करियर के क्षेत्र में तो खूब तरक्की के साथ साथ धन लाभ के योग नजर आ रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का मौका मिल सकता है। जो भी छात्र या छात्रा विदेश जाकर के पढ़ाई करने का सोच रहा है, उसके लिए भी यह समय काफी शानदार है। बहुत बड़ा सफलता मिलने का संयोग बन रहा है। इस समय कोई भी इंसान जातक ऐसे हैं जो विदेश घूमने के लिए सोच रहे हैं, उसका सपना पूरा हो सकता है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। करियर को आगे ले जाने के लिए आप कोई कोर्स आदि भी कर सकते हैं, उसके लिए भी सही समय है। देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिलेगा। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव होगा। ऐसे में आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं। इस समय एक महिला आपके प्यार में तड़प रही है, आपका स्वागत करने के लिए बेकरार है, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस समय अगर आप किसी से पहले से ही प्रेम करते थे और वह कन्या का अगर विवाह हो चुका है, तो इस समय वह अपने पति से संतुष्ट नहीं है और वह आपके जीवन में दोबारा कदम रखने वाली है। वह आपसे मुलाकात करेगी, आपका स्वागत करेगी। आपका स्वागत के लिए वह बेकरार है और वह आपके मन की इच्छा को भी पूरी करेगी। सभी प्रकार के शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त कर देगी। साथ ही साथ इस समय आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। अगर आप किसी से लंबे समय से प्रेम कर रहे हैं तो आप इस समय इजहार अवश्य करें। यह मौका हाथ से गवाना नहीं है, चाहे सामने वाला कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। आप इस समय अपना प्रेम का इजहार करें, वह कभी भी अस्वीकार नहीं करेगी। आपके प्रेम को डोट स्वीकार अवश्य करेगी, लेकिन सामने से भी आपको प्रेम का प्रस्ताव मिलने वाला है, जिसमें आपको सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना होगा, अन्यथा उसकी वजह से परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय आप किसी भी क्षेत्र में शुरुआत करना चाह रहे हैं, तरक्की चाह रहे हैं, करियर बनाने का सोच रहे हैं,
तो उसमें आप शत अवश्य करें। इस मौके को हाथ से गवाना नहीं है। अगली बात, इस समय अगर आप घर में किसी कारोबार की योजना बना रहे हैं, कोई भी कार्य शुरू करने का योजना बना रहे हैं, या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो यह बात ध्यान रखें कि यह बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी के साथ साझा नहीं करना है, अन्यथा इसमें आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन के हर क्षेत्रों में आपको तरक्की और सफलता मिलेगा, धन में अपार वृद्धि होगा, जिसके वजह से आपके जीवन में घमंड आने का भी संभावना बन रही है। लेकिन आपको भूल से भी किसी भी क्षेत्र में घमंड नहीं करना है, अन्यथा परेशानी हो सकती है। घमंड भगवान का आहार होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली बात, इस समय किसी भी महिला या कन्या का आपको अपमान नहीं करना है, अन्यथा माता लक्ष्मी कृपा आपको नहीं मिलेगी। चाहे वह कन्या वह महिला आपके घर की हो या बाहर की हो, कभी भी भूल से भी शब्द ना बोले, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं पड़ेगी और आप परेशान हो सकते हैं। धन की दिक्कतें हो सकती है, आपके सोचे हुए कार्यों में भी असफलता का हाथ लग सकता है, और इस समय आपको मैं एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, जिसके बारे में ध्यान से विचार करना है। आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है। अगर आप जीवन में तरक्की चाहते हैं, चमत्कारिक लाभ चाहते हैं, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते, तो प्रत्येक दिन आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है। जगने के बाद दोनों हाथों को मिलाकर के दोनों हथेलियों को रेखाओं को डोट देखना है, और इसे अपने चेहरे पर आपको फेरना है। ऐसा 3 बार प्रत्येक दिन आपको करना है। दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे, तो मेरा फ पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपकी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देवों के देव हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बना रहे, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शनि के गोचर से बढ़ रहा है शुभ राजयोग आपकी कुंडली में। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों को मिलेगी तरक्की और धन लाभ होने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। आपको नया प्रेम मिलेगा, आपका जीवन में रोमांस का भरमार होने वाला है। यूं कहें कि इस समय आपको जिंदगी का असली सुख मिलने वाला है, आपको सोर्च वाला सुख मिलने वाला है। लेकिन यह वीडियो आपको अकेले में देखना होगा, तभी आपको इस वीडियो का लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी राज की बातें हैं जो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक सुंदर सी कन्या आपके प्यार को पाने के लिए तड़प रही है, आप चाहे या न चाहे, लेकिन वह आपके जीवन में आकर ही रहेगी। बस क्योंकि लड़की थोड़ा शर्म आती है, इस वजह से वो अपने प्रेम का इजहार आपसे नहीं कर पा रही है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उसका नाम भी बता देंगे, कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, वह सारा जानकारी देंगे। फिर आप खुद सामने जाकर की बात कर सकते हैं, फिर आप अपने प्रेम का इजहार उसे कर सकते हैं, आपका इजहार वह तुरंत एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों वह चाहती है कि कब आप सामने से जाकर उसे अपने प्रेम का इजहार करें, ताकि वह कन्या आपको पा सके। दोस्तों, आप सभी को बता दें,
बस कुछ समय ही है जो कि वह आपका इंतजार कर रही है। और वहाँ कन्या कौन है, कहाँ से आई है और आपके साथ उसका क्या संबंध बनेगा, क्या संबंध है, सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, पूरे वो भी पूरे विस्तार के साथ। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। आप इस वीडियो का तभी संपूर्ण लाभ ले पाएंगे क्योंकि इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी बहुत ही गहरी राज और सच्चाई आपको बताने जा रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में इसमें आपकी कुंडली के अनुसार आपके ग्रह गोचर को मिलाकर ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि इस समय आपके जीवन में दो दिन अचानक से आपको बड़ा अचंभित घटना भी देखने को मिलेगी, जो आपको पल में खुशी पल में दुख फिर भी मिल सकते हैं। दोस्तों, पल में दुखिया चीजें आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन पल में खुशी भी आपके जीवन में आने वाली है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में किसी भी बुरी प्रकार के प्रभाव को नहीं पड़ने देंगे, तो आप अपने जीवन में हलचल नहीं होने देंगे, सब कुछ सामान्य रखेंगे, तो आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा, आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी हो जाएगा, आपका किस्मत और आपका भाग्य दोनों चमक जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह है कि आपके लिए या कन्या को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, आप चाहे आना चाहे आपके करीब आकर ही रहेगी या करने पर आपको सभी प्रकार के सुख भी देगी, आपको शारीरिक सुखों से आप का मन तृप्त कर दे। कि दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने के प्रयास कीजिएगा, तभी आप इसे बेहतर से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, थोड़ा समय दो, सब आगे के बारे में बात करता हूँ ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सके। दोस्तों, आपको बता दें कि 2025 में शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेगा। 2025 में 29 मार्च को शनि अपनी राशि से कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि क्योंकि इस समय अभी मैं आपकी राशि के लिए की बात कर रहा है और आपकी राशि में है, इसलिए बनने वाला है स्वस्थ राजयोग, क्योंकि आपके लिए बेहद ही शुभ और अच्छा होने वाला है। आपकी राशि के जातकों के लिए सुख समृद्धि लाएगा सरफेस राजयोग, काफी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजयोग माना जाता है, जो कि इस समय आपके जीवन में आपको नया और सच्चा जीवन साथ मिलेगा। जान से भी ज्यादा चाहने वाली जीवन साथी आपको मिलेगी, जो आपके लिए पूरी दुनिया को छोड़ सकती है, पूरी दुनिया को धोखा दे सकती है, लेकिन वह एक स्त्री आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। ऐसा जीवन साथी आपको मिलने वाला है जिससे आपका जीवन में रोमांस भी भरकर मार होने वाली है और आपका जीवन भी चमकने वाला है, क्योंकि यह लड़की साक्षात लक्ष्मी की रूप है। दोस्तों, है जो समय है, इस समय शंख राजयोग बन रहा है, यह मार्च 2025 तक रहेगा, आपकी कुंडली में आज से लेकर 2025 तक रहेगा। ऐसे में आपकी राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिलेगा, साथ ही साथ कैरियर में अच्छी उपलब्धियां भी हासिल होगी। आपकी राशि के जातक के लिए यह समय बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है, पारिवारिक जीवन में भी खुशियां बढ़ेगी। आपकी राशि के जातक तो इस समय बल्ले बल्ले हो सकता है, वह सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिस चीज का आप लंबे समय से सपने सजा कर बैठे थे। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में राजयोग का पंच महापुरुषों का राजयोग में से एक माना जाता है। इस समय आपके जीवन में कई तरह के चमत्कारिक लाभ होने वाले हैं और दो तीन आपके सामने समस्याएं भी आने वाली, थोड़ी बहुत वह आप आसानी से झेल लेंगे, उसके लिए आप चिंता न करें। लेकिन इस समय आपके जीवन के लिए बहुत ही उचित समय होने वाला है। इस समय आप अपने जीवन में जो भी कुछ चाहेंगे वह आपको मिलेगा, जिस क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और दोस्तों, एक बात क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि दोस्तों, आपके जीवन में इसमें थोड़ी बहुत समस्याएं आने वाली है जिसे आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं,
अगर नजर अंदाज कर देंगे तो वह छोटी सी चीज आपके लिए आगे चलकर बहुत बड़ा दुखदाई हो सकता है, बहुत बड़ा समस्या हो सकता है, इसलिए आप जैसे तैसे करके उसे संभाल लेंगे। अगर आपका पैसा कहीं पर अटक गया है, आपका कहीं पर खास गया है, या आपने किसी को कर्ज दे रखा है और वह पैसा आपको वहां से वापस नहीं मिल रहा है, तो वह आपको और आपको परेशान कर रहा है, तो इस समय सारा पैसा आपको एक साथ जुड़कर के मिलने वाला है। आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपका वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन अटक गया है, तो इस समय आपका सारा वेतन आपको एक साथ जोड़कर मिलने वाला है। साथ ही समय आपको सरकारी पद से भी धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है और आपको इस समय सरकारी पक्ष से भी उच्च पद मिलने का संयोग बन रहा है। वहीं पर दोस्तों, इस समय किसी सरकारी कार्य की वजह से आपको भारी धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रहा है, जिसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगा। आप आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो जाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा भी चमकेगी। इस समय आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा और समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में अपार वृद्धि होगी। अगर इस समय अब राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए यह समय शानदार है, आपका भाग्य चमकने वाला है। इस समय आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। जो लोग कभी आपकी बातों का कद्र नहीं करते थे, वह लोग भी आपका कद्र करेंगे, आपका वैल्यू करेंगे। इस समय आपको लोग सलाम भी करेंगे। अब दोस्तों, चलिए मैं आपको उस कन्या के बारे में बता देता हूँ कि वह कन्या कौन है और कहाँ पर आपको मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको उस कन्या का नाम बता देते हैं, जो कि उस कन्या का नाम दोस्तों में बोले तो और हिंदी में बोले तो दोस्तों इस नाम का कन्या है, क्योंकि आपको पाने के लिए बेहद तड़प रही है, आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है। दोस्तों, इस कन्या से आप पहले मिल भी चुके हैं। यह कन्या आपको, आप कहीं रिश्तेदार के यहाँ किसी फंक्शन में गए थे, वहाँ पर आपका इस कन्या से मुलाकात हुआ था। वहीं से उस कन्या के मन में आपके प्रति प्रेम जगा है, आपको बहुत पसंद करती है। और फिर आपका मिलन दोस्तों किसी रिश्तेदार के फंक्शन में ही होगा। यदि आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने किसी फंक्शन में, तो वहीं पर कन्या आपको मिलेगी। और दोस्तों, यह कन्या दिखने में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, अब आप इसे पहचानेंगे कैसे? तो दोस्तों, जब भी आपके पास या कन्या होगी तो आपके मन में, आपके अंदर में एक बहुत ज्यादा आपको खुशी महसूस होगा, आपका दिन बेचैनी इस आपके दिल में होने लगेगा दोस्तों। और यह कन्या बार बार आपको ही देखेगी, तो दोस्तों आप समझ जाना कि वह कन्या यही है। और आपको खुद सामने से जाकर के बात करना होगा कि आपकी मुलाकात हो पाएगी। अब दोस्तों, चलिए मैं आपको गलतियां बता देता हूँ, जो आपको भूल से भी नहीं करनी है, कि वह गलती है दोस्तों कि कभी भी किसी भी जानवर को बेवजह न मारे, पीटे और न ही परेशान करे। क्योंकि दोस्तों, यदि आप किसी बेजुबान जानवर को मारेंगे या उसे परेशान करेंगे, तो दोस्तों शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। और शनिदेव मगर आपसे रुष्ट हो गए दोस्तों, फिर आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। जाने कि आपको बहुत, आपके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखें कि कभी भी किसी भी बेजुबान जानवर को ना मारे, न पिता, अगर हो सके तो आप उसे खिला दें, और यदि आपके पास कुछ खिलाने को न हो तो आप उसे प्यार से वहां से जाने के लिए बोलते, उसे बेवजह मारे पीटे ने तो दोस्तों आपको बहुत बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो है के समाप्त करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग शनिदेव को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। और दोस्तों, यदि इस चैनल पर पहली बार आया है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। शनिदेव की कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर सदैव बना रहेगा। दोस्तों, चलिए
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक न्यू वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।